हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट सी से कुछ हटके है। ये क्या है? सी प्लस प्लस का मतलब कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? अपनी सी क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है हमें। और इसमें क्या है, उसके अलावा कुछ एडवांस फीचर्स ऐड किए गए हैं जिसके बारे में आपको पहले मैं बताती हूँ। तो सी प्लस प्लस में मतलब सी के अलावा और क्या क्या पढ़ोगे आप? पढ़ोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या होती हैं और इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओके, और डाटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। ये पहले टर्मिनोलॉजी बताती हूँ आपको, डाटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज का नाम ही ये है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी आप एंटिटी मानो या रियल कोई ऑब्जेक्ट मानो, जैसे कि क्या है, कोई पर्सन है, प्लेस है, या कोई बैंक है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट के फर्दर क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के फर्दर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसके हम फीचर्स काउंट करके और उसके अकॉर्डिंग हम अपना अपने प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, ओके। और क्लास क्या होती है? क्लास वैसे भी जनरल लाइफ में सब बच्चों ने सुन रखा है कि क्लास क्या होती है। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की मतलब कलेक्शन को क्लास बोलते हैं। इसी तरह हम आर्मी वर्ड यूज किया होगा, कभी आर्मी वर्ड सुनते हो आप? आर्मी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। इसी तरह आपने टीम वर्ड सुन रखा है, टीम। टीम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। तो उसी तरह क्या करते हैं, हमारा क्लास बेस पे क्लास बना के उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या है, हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे और वो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स को हम अनकैप्सुलेट करके, एक इसमें अनकैप्सुलेशन वर्ड का भी यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर। वो क्या होता है, वो क्लास के अंदर यदि डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को हम रेप कर लेते हैं, मतलब उसको बाउंड करके रख लेते हैं क्लास के अंदर, तो उसको बोलते हैं अनकैप्सुलेशन। उसके अलावा हम और क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो चीजें कई बार क्या होता है, इनहेरिटेंस वर्ड अपने जनरल लाइफ में देखें तो क्या होता है इनहेरिटेंस, जैसे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स के जो भी अपना कोई मतलब घर बार या कुछ और इसके अलावा भी कोई चीज होती है, तो वो बच्चों को डायरेक्ट उनको बच्चों को मिल जाती है। इसी तरह जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, और इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखो, जिस पेरेंट्स की हाइट लंबी है तो उसके बच्चों को मतलब क्या है, वो हाइट भी इनहेरिट कर लेते हैं, जैसे किसी का कलर कॉम्बिनेशन है या किसी के फीचर्स हैं, तो बहुत अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। क्या है इनहेरिट का मतलब, अपने पेरेंट क्लास से जो उसके ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, या फिर उसकी जो सब क्लासेज हैं आगे आने वाली उसकी क्लासेज हैं, वो उसके सारे गुणों को या मेथड्स को इनहेरिट कर लेते हैं। वो वर्ड किया जाए, यूज किया जाएगा इनहेरिटेंस। और इसका फर्दर डिटेल्स में एक पूरा चैप्टर है इनहेरिटेंस का, कि क्या होता है इनहेरिटेंस और कितने टाइप्स का होता है, वो मैं आगे अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको। एक वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं सी में या सी प्लस प्लस में, क्या होता है उसमें हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं और फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है, फंक्शंस और ऑपरेटर्स। एक ऑपरेटर एक बार में एक ही काम करता है, बट सी प्लस प्लस लैंग्वेज में किसी एक ऑपरेटर से या एक फंक्शन को यदि हम ओवरलोड कर दे, ओवरलोड का मतलब एक फंक्शन और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम कर टास्क परफॉर्म करके दिखाता है, उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे प्लस ऑपरेटर हमारा है, प्लस ऑपरेटर जब हम किसी नंबर्स को एड करेंगे तो ये एडिशन करके दिखाएगा, जैसे 5 + 7 करेंगे हम तो क्या रिजल्ट दिखाएगा, 5 + 7 ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा 12। यदि इसी प्लस ऑपरेटर को यदि हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ करेक्टर्स। जैसे क्या है, एक मैंने लिखा के, के वर्ड क्या है, एक सिर्फ एक वर्ड वो है, एक करेक्टर है के,
और मैंने पूरा का पूरा बना दिया, एक पूरा करेक्टर का एक सेट बना दिया, कमलेश, KAMLESH। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें कितने करेक्टर यूज किए गए हैं, 7। ठीक है, इसी तरह यदि दो वर्ड यदि जोड़ने पड़े हमें, जैसे मेरा नाम है कमलेश खरब, तो कमलेश प्लस खरब यूज करती हूँ, तो यदि ये वर्ड दूर दूर भी है तो स्ट्रिंग यूज करके और यदि ये वाला ऑपरेटर यूज करके अप्लाई करती हूँ प्रोग्राम के अंदर, तो ये दोनों के दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो वहां पर इस प्लस ऑपरेटर ने किसका काम किया है, कंकैटनेशन का काम किया। कंकैटनेशन का मतलब दो वर्ड्स को इन्हें जोड़ दिया, पास पास कर दिया है, यहाँ पे जोड़ने का मतलब इनका एडिशन करके रिजल्ट ही जनरेट कर दिया है, और इसमें क्या है, उन दो वर्ड्स को पास में ऐड कर दिया गया है। ओके, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड क्यों यूज किया गया है C++ लैंग्वेज में, कि कोई एक फंक्शन एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करके दिखाए तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, आगे है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, मॉलीफिर्मिज्म का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के काम करके दिखाए, उस वर्ड को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और डाटा अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, डाटा अब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि कई बार बैकग्राउंड की पीछे की बैक डिटेल हमें कुछ नहीं पता और फिर भी हम फंक्शन परफॉर्म करके दिखाते हैं या फिर हम किसी चीज को एक्सेस कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा अब्स्ट्रक्शन। कि जैसे डाटा अब्स्ट्रक्शन और डाटा हाइडिंग, डाटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है कि जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है बैकग्राउंड की वो पूरी की पूरी हाइड करके रखी हुई है, उसको हम उसका हमें पता नहीं, उसकी नॉलेज भी नहीं है और फिर भी हम उस डाटा को यूज करें, तो वहां वर्ड यूज होगा डाटा अब्स्ट्रक्शन। तो ये जो हमारी सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है और C++ हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें ये फीचर्स हमारी सी के अलावा इसमें यही मतलब अलग है जो सी और C++ को डिफरेंट करते हैं। वैसे C++ सी का ही एक सुपर सेट है। सी का मतलब क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोसीजरल प्रोग्राम होते हैं वो C++ के अंदर भी रन हो जाएंगे और ये दोनों एक ही कंपाइलर से मतलब रन हो जाएंगे। जैसे C++ का कंपाइलर है उसमें सी का प्रोग्राम भी रन हो जाएगा और C++ का भी हो जाएगा। तो C++ कब डेवलप हुई, बाजार ने स्ट्राउटस्ट्रप ने 1980 में इसको डेवलप किया है और उसकी जो सी लैंग्वेज की जो कुछ कमियां थी उसको दूर करते हुए कुछ नए फीचर्स को ऐड करके एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम दिया C++। ओके, C++ लैंग्वेज आजकल मोस्टली बहुत सारे रियल लाइफ में भी यूज हो रही है और बहुत सारी अलग अलग जैसे डेटाबेस बनानी है या फिर डाटा सिमुलेशन है उसमें कई जगह पे C++ लैंग्वेज यूज की जाती है। C++ लैंग्वेज में जैसे बैंकिंग का है, लाइब्रेरी का है, किसी अलग ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई और सॉफ्टवेयर भी बनाना है तो हम भी वो भी हम C++ लैंग्वेज की हेल्प से बना सकते हैं। तो अब देखो सी का जो करेक्टर सेट था वो करेक्टर सेट मोस्टली सी और C++ का सेम है, कुछ कीवर्ड्स इसमें उससे ज्यादा है। ओके, उसके अलावा देखो करेक्टर सेट में मैंने बताया था करेक्टर सेट हर किसी एक लैंग्वेज का होता है कि उसमें क्या क्या अल्फाबेट यूज होंगे, क्या क्या सिंबल्स यूज होंगे जिसके हेल्प से हम प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद मैंने टोकन्स करवाए थे, वो टोकन्स भी वही टोकन्स वही स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो प्रोग्राम के अंदर यूज होंगी, जैसे आइडेंटिफायर है, वेरिएबल्स है, डाटा टाइप्स है, वो सारी चीजें क्या है और कीवर्ड है अपने। कीवर्ड का मतलब जो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है और उनका मीनिंग चेंज नहीं होता उनको कीवर्ड बोलते हैं। तो वो कुछ टोकन्स हैं, वो भी सी की तरह ही सी में है, वही C++ में है। तो आपको जो करेक्टर सेट देखना है, टोकन्स देखने हैं, तो आप सी वाली सी लैंग्वेज की जो अपनी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें जाके देख लीजिएगा, सेम है। उसके अलावा उसके प्रोग्राम में जो हेडर फाइल्स इंक्लूड होती है वो अलग है और इसकी हेडर फाइल्स के अकॉर्डिंग कैसे प्रोग्राम रन होगा अभी मैं आपको वो बताती हूँ कि C++ लैंग्वेज में हम प्रोग्राम की मतलब स्टार्टिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी और कैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ ए C++ प्रोग्राम, जब जैसे ही हम C++ प्रोग्राम लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो हमें मतलब कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे प्रोग्राम का, सबसे पहले इंक्लूड फाइल्स, इंक्लूड फाइल्स का मतलब जो हेडर फाइल्स है वो सबसे पहले इंक्लूड करनी पड़ेंगी क्योंकि हेडर फाइल्स के अंदर सारे फंक्शंस और मेथड्स का डिक्लेरेशन होता है। ठीक है,
उसके बाद होता है क्लास डिक्लेरेशन। क्लास मैंने पहले भी बताया था, क्लास क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है जिसमें हम सारे जो इतने भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, वो सारी डिक्लेरेशन भी हमारी जरूरी है। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमें क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है, और क्लास डिक्लेरेशन के बाद क्लास जो क्लास हमारी बनी है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज करके हमने क्लास डिक्लेयर की, उसके मेंबर फंक्शंस भी होंगे और डाटा मेंबर्स भी होंगे। डाटा मेंबर्स का मतलब अपने वेरिएबल्स वगैरह जैसे इंट ए बी, ठीक है, और उसके बाद मेंबर फंक्शन का मतलब इंट ए बी, उसके बाद उसके ऊपर फंक्शन क्या लगाना, हमें उस नंबर्स का एडिशन करना है या उस नंबर का हमें मतलब मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीपल नाम का हमारा फंक्शन बन जाएगा। जैसे क्या लिखते हैं, MUL मल्टीप्लाई फंक्शन, एड फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हम यूज कर लेंगे वो हमारी क्लास के क्या हो जाएंगे, मेंबर फंक्शन। और डाटा मेंबर्स क्या होते हैं कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे इंट ए बी सी, वो सारे क्या है, डाटा मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मेन फंक्शन सी लैंग्वेज में भी यूज होता है, जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है, जो हमें उसके बाद मेन फंक्शन के बाद हमें प्रोग्राम के अंदर और क्या देखना होता है, एक हमारा सेक्शन होता है ग्लोबल सेक्शन और एक हमारा होता है मतलब लोकल, जैसे वेरिएबल वगैरह या मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर्स को हमें डिफाइन करना है तो हमें वो ग्लोबली यूज करना है, उस क्लास के अंदर ही यूज करना है, उस क्लास के बाहर कहीं भी आउटसाइड कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो हमें वो क्या है दिखाना पड़ेगा कि मेन फंक्शन के अंदर जो हमने यूज किए हैं, क्लास की बॉडी के अंदर हमने जो मेंबर फंक्शंस यूज किए हैं वो तो हमारे क्या हो जाएंगे, लोकल वेरिएबल हो जाएंगे और लोकल मेंबर फंक्शन हो जाएंगे। और यदि हम क्लास के बाहर बॉडी से बाहर हम यदि देते हैं मेन फंक्शन के बाहर यदि हम कोई भी वेरिएबल या कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, वो क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। वो एक प्रोग्राम बना के आपको समझाऊंगी। तो जैसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट कैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे फ्रूट नाम की एक क्लास है अपनी, फ्रूट नाम की एक हमने क्लास ले ली, तो उसका जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, जैसे फ्रूट और हमने दे दिया फ्रूट मैंगो, तो क्या है इसमें फ्रूट नाम की एक क्लास है और मैंगो क्या है उसका एक ऑब्जेक्ट है, और मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं जो उसकी फंक्शन को या उसके जो भी फीचर्स हैं उसको डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो हम C++ में कैसे किसी एक क्लास के ढेर सारे मेंबर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को कॉल करके कोई भी मतलब रिजल्ट हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, वो हम मैं आपको एक अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके, हैव ए नाइस डे।